नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट के करंट अफेयर्स की। आप सभी के लगातार मैसेज आते हैं, कमेंट आता है कि मैम करंट अफेयर्स को कैसे पढ़ना है। ये जो 10 अंक हैं, आपको पता है पेट में पूरे 10 अंकों का करंट अफेयर्स होता है, इसके पूरे 10 मार्क्स हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और आप इजीली उसको क्रैक भी कर सकते हो, मतलब आप इजीली 10 नंबर ला भी सकते हो। हाँ, उसके लिए एक चीज ही करनी है, वो है पढ़ाई करनी है जो कि आपको ही करनी है। मैं सिर्फ तरीके बता सकती हूँ यहाँ पे कि आपको उसके लिए क्या करना होगा। प्लस आप लोग पूछ रहे हो कौन सी बुक से पढ़ना है और इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या क्या है जो आपको करंट अफेयर्स के लिए पढ़ने हैं, तो उन सारी चीजों को बताने चलूंगी। लेकिन उसके पहले अगर आप चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन जरूर दबा लेना। अदरवाइज क्या होता है, मैं प्रैक्टिस सेट कराती हूँ, चाहे आपके करंट अफेयर्स की कराऊं या फिर जनरल अवेयरनेस की कराऊं, तो आपको नोटिस नहीं मिल पाता है। बेल आइकन दबाए रखोगे तो जो भी चीज होगी वो आपको इंस्टेंटली मिल जाएगी। ठीक है, चलो क्लास को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों देखो, करंट अफेयर्स जो है, आपको पता है उसका वेटेज बहुत ज्यादा है, 10 अंकों का आना है करंट अफेयर्स। क्या पढ़ना है, देखो सुन लो मेरी बात। पहले तो आपको जो अभी लास्ट के 4 मंथ हैं, कौन से मंथ, लास्ट के 4 मंथ, यानी पेपर कब होना है आपका, 28 29 अक्टूबर को पेपर होना है, तो आपको पहले सितंबर, अगस्त, जुलाई, जून, ये 4 महीने तो रट डालो। रट डालो मतलब एकदम इसको रट्टू तोता जैसे रट डालो। ठीक है, पहले इन 4 मंथ को एकदम सॉलिड कर लो। देखो ये कहोगे बहुत सारा पीछे से भी आता है, पीछे से आता है लेकिन कम आता है। और आपको क्या करना है, 10 में से आपको 6-7 नंबर का टारगेट रखना है। उतना अगर हो जाए तो पीछे से जो क्वेश्चन आएगा वो भी बताऊंगी कैसे करना है। ठीक है, लेकिन आपको इसमें से ज्यादा मिलेगा। ठीक है, तो सितंबर, अगस्त, जुलाई, जून और एक और महीना कर लो मई, ये 5 महीने का पहले अच्छे से सॉलिड कर लो। चैनल पे अगर जाके देखोगे आपको तो वहां प्लेलिस्ट पड़ी हुई है सितंबर का, अभी क्योंकि अभी आज 30 है ही आपकी, उसका भी डाल दूंगी। बाकी सबको आपको करंट अफेयर मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। प्रैक्टिस सेट भी मैं आपको कराती रहती हूँ जिससे कि आपकी प्रैक्टिस भी होती रहे, इसीलिए कह रही हूँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो ये सारा आपका करंट अफेयर्स हो गया, इसको कहाँ से पढ़ना है। और हाँ, कुछ लोग जो बोल रहे होंगे तो आप देखो, इतना जब एक बार कर लेना, फिर अगर आपके पास समय रहेगा तो पूरा आप जनवरी से शुरू कर देना। मैंने जिनको पीडीएफ दी हुई है, जो लोग पेड ग्रुप में हैं, उन सबको मैंने जनवरी से लेकर पूरी सितंबर तक दी हुई है, जितने लोग पेड ग्रुप में हैं। लेकिन उनको भी मैं यही कहती हूँ, पहले इन 5 मंथ की पढ़ लो, फिर उसके बाद टाइम होगा तो जनवरी से लेकर आप बीच में मतलब अप्रैल तक की पढ़ना। ठीक है, चलो बजट वगैरह जो कुछ टॉपिक है वो मैं वैसे ही करा दूंगी आपको। लास्ट में आपको पता है एग्जाम के पहले सारी मैराथन भी कराई जाएंगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सारे कंटेंट आपको मिलते रहेंगे। आप सुन लो, ये कहां से पढ़ना है, तो ये कहां से पढ़ना है, देखो दोस्तों इसके लिए मैं किसी एक पर्टिकुलर बुक आपको नहीं बताऊंगी। आप मार्केट में जाओगे, आपको प्रतियोगिता दर्पण मिलती है, क्रॉनिकल मिलती है, मतलब न जाने कितनी बुक मिलती है, उसका मैं नाम भी शायद नहीं बता पाऊंगी आपको। बहुत अच्छी एक बुक आती है, वो कौन सी होती है, दृष्टि की, आपको पता है दृष्टि की बुक एक आती है जो हर 6 मंथ की मिलती है, तो आप वो जाके लिख सकते हो। ठीक है, समझ में आ रही बात, मतलब आपको ये नहीं है किसी एक पर्टिकुलर बुक को बताऊंगी, आप खुद जाओ मार्केट में, जो आपको मंथली मैगजीन लगे, इन 5 महीने की मंथली मैगजीन उठा कर ले आओ और उनमें से क्या पढ़ना आप ये सुन लो। उनमें से आपको दोस्तों क्या पढ़ना, जो इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे कोई इंडेक्स जारी हुआ तो उसमें भारत की रैंकिंग क्या है, या फिर कोई स्पेशल नियुक्ति हुई, जैसे कि आपको पता है जो विश्व बैंक है उसमें इस समय कौन है, उसके एमडी कौन है, जो आपको भारतीय लोगों से जुड़े हुए चीजें लगे वो पढ़ लो। प्लस आपको क्या पढ़ना, कोई नई ट्रेन चली, जैसे आपकी वंदे भारत एक्सप्रेस चल रही वो किसी नए रूट पे चली, या फिर आपके पास कोई नई, और जैसे एक ट्रेन मैंने बताई अभी आपको हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन, ऐसी कोई नई चीज जो भी हुई, सबसे लंबा ऊंचा पुल, इंडिया की बात कर रही हूं, ऐसी कोई भी जानकारी आपको लगे उसको जरूर देख लेना, या फिर कोई ऐसी परियोजना चल रही जो बहुत महत्वपूर्ण हो और उसमें किसी विदेश वाले देश का हाथ हो, ऐसे कि बहुत सी आपकी चीजें होती है, जैसे भी एक ऑपरेशन करुणा है ना, मैंने आपको कई उसमें बताया है, ऑपरेशन क्या नाम है इसका, करुणा, ये भारत ने किसके लिए हेल्प के लिए चलाया है, ये भारत ने म्यांमार देश की हेल्प के लिए चलाया है। तो आपको ऐसी चीजें जो ऑपरेशन वगैरह है, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कोई चीज वो आपको कहां से पढ़ना है, वही आपको इस बुक से उठा उठा के पढ़ना है। ठीक है, चलिए तो ये मैंने आपको समझा दिया, ये आपको 5 महीने का पढ़ना है, बुक मैंने आपको बता दी, ये आपके ऊपर है, जो आप बुक पढ़ते हो हर महीने उसको पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको मेरी पीडीएफ चाहिए हो तो आप पीडीएफ के लिए नंबर है
8957215956। एक मिनिमम सी कॉस्ट देकर आप इस पीडीएफ को मुझसे ले सकते हो, ठीक है। मैंने पूरा अरेंज करके रखा हुआ है, आगे प्रैक्टिस सेट कराऊंगी, वो सब आपको पढ़ना है। अगर आप नहीं लेना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं, आपको जो मैंने बताया 5 महीने की बुक उठा के इंपॉर्टेंट चीजें क्या बताई, इंडेक्स पढ़ना है, कोई अवार्ड मिला है वो पढ़ना है, से भी राष्ट्रीय अवार्ड दिए गए हैं, राष्ट्रीय पुरस्कार दिए गए हैं फिल्मों को। फिल्मों में आपको पता है किसको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है राष्ट्रीय, बताइए अल्लू अर्जुन को मिला है, किस फीमेल एक्ट्रेस को मिला है, किस मूवी को मिला है, ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी आपको। ये इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो रट्टा मार के जाना है आपको। अब एक दो क्वेश्चन अगर वहां एक्सेप्शन आ जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम 10 में से 8 वाले तो रट्टे वाले हो, फटाफट मार लो, ठीक है। इतना कर लोगे तो आपके नंबर इजीली आपके आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। 10 में से 10 की तो गारंटी नहीं देती हूं मैं, कुछ ना कुछ जरूर ऐसा आता है जो कोई नहीं कर पाता है, उसकी गारंटी नहीं लेती हूं मैं। लेकिन अगर आप इतना 5 महीने का पढ़ लोगे, जो बता रही वही चीजें पढ़ लोगे, तो जरूर अच्छा पेपर हो जाएगा आपका, ठीक है, जरूर आप अच्छा कर पाओगे। और कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना मुझसे, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, यहाँ पे रेगुलर क्लासेस आपकी चल रही हैं, करंट अफेयर्स की मैराथन या कुछ भी होगी वो सब प्रैक्टिस ऐसे आपको कराई जाएंगी, तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके चीजों के साथ जुड़ जाओ। धन्यवाद।